आज रॉफ हीरो नहीं बचेगा, रॉफ हीरो ने मेरी लॉलीपॉप ले ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लॉलीपॉप लेने की? उसको तो मैं काट डालूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ए बुड्ढे कहाँ पे है रॉफ हीरो, जल्दी बताने थे तुझे। छोड़ूंगा नहीं, यहीं पे मार के खत्म कर दूंगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सस्ते सुपर हीरो तू मुझे मारेगा, मैं तुझे इतना मारूंगा ना नानी याद आ जाएगी। निकल ले इधर से, फूट ले। जानता नहीं मैं बहुत बड़ा डॉन आदमी हूँ इधर का, फूट ले नहीं तो बहुत मारूंगा। ये मुझे हल्के में ले रहा है, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हल्के में लेने के लिए? जानता नहीं मैं बहुत लोग को ऊपर पहुंचा चुका हूं, अब तेरा नंबर बाकी है, अब तू नहीं बचेगा। कितना बड़ा गुंडा है रे तू, तुझे तो हम यहीं पे मारेंगे। कैसे मार दिया सस्ते सुपर हीरो, हम तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे रे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मेरे पीछे लग चुके हैं पुलिस, तो हम जाएंगे टिप्सन के पास क्योंकि वो बता सकता है कि रॉफ हीरो कहाँ छिप के बैठा है। चलो यहाँ से भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो ये पकड़ के बहुत मारेंगे, मार मार के बुरा हाल कर देंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाय रॉफ हीरो, कहाँ है रॉफ हीरो, जल्दी बता टकले, नहीं तो टकला उड़ा दूंगा टकला। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता रॉफ हीरो कहाँ पे छिप के बैठा है, मुझे नहीं पता। तुम्हारी लॉलीपॉप लेके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। पहले तो मैं यहाँ पे डांस करूँगा, डांस करने के बाद मैं रॉफ हीरो को बहुत मारूंगा क्योंकि लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए पैसा, क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ये पुलिस वाले भी पिद्दी क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। सुपर हीरो पागल हो चुका है, लेकिन ये बात रॉफ हीरो को नहीं पता कि सुपर हीरो पागल हो चुका है। सुपर हीरो ने टिप्सन का टकला उड़ा दिया, वो भी पुलिस वाले के सामने, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाए, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पैसों के बिना ये किसी को भी नहीं बचाते, तो हम यहाँ से निकलते सीधा जोम्बी कार को ऑर्डर करके टिप्सन के पास। लेकिन रॉफ हीरो को नहीं पता कि टिप्सन का टकला उड़ा दिया गया है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से, लेकिन टिप्सन वापस से जिंदा हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं अपनी जोम्बी कार में बैठ के। हमारे पीछे एक भी स्टार पुलिस नहीं लगी हुई है, क्योंकि रॉफ हीरो के पीछे हरदम स्टार पुलिस लगी रहती है, लेकिन इस बार एक भी स्टार पुलिस नहीं लगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो देखो यहाँ पे रॉफ हीरो बहुत तेज़ी से अपनी कार को भगाता है, काफ़ी डेंजर भगाता है भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट करता है, लेकिन सामने कोई नहीं आता, यहाँ पे खंभों को उड़ा देता है। लेकिन हमारे पीछे लग चुकी है एक स्टार पुलिस, जो कि हमने बहुत खतरनाक तरीके से कार चलाया था, इस कारण से हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। तो हम आ गए टिप्सन के पास। रॉफ हीरो मुझे सुपर हीरो ने बहुत मारा, मैंने उसको बोला मुझे छोड़ दो, मैं रॉफ हीरो के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसने लेजर से मुझे भस्म कर दिया और ये पुलिस वाला तमाशा देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो अब हमें आ रहा है गुस्सा इस पुलिस वाले के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत खतरनाक तरीके से कार चलाई थी, किसी का एक्सीडेंट नहीं किया था, लेकिन ये पुलिस वाला हमारे ऊपर डंडों की बारिश कर रहा है, इतना तो बहुत हो गया ना। तो अब लिया हमने शॉट गन, अब इसका काम तमाम। तो अब हमारे पीछे दो स्टार पुलिस लगने वाली है, तो हमें यहाँ से भागना होगा। पहले तो हम सुपर हीरो से हिसाब है। सुनो मेरे चेले, जो मेरे को मार के खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे बिल में छुपा होगा, बिल में से निकाल के मारो, मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए, मुर्दा चाहिए, मार डालो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। जय खानदार, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, उसको तो हम बिल में से निकाल के बहुत मारेंगे, हम अपनी अपनी दुनिया में ढूंढेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं पे खत्म कर देंगे, उसने लॉलीपॉप लेके बहुत बड़ी गलती की। पूरा नहीं बचेगा, आप कौन से बिल में छिपा होगा, सब लोग ढूंढ के निकाल के मारेंगे, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में ढूंढेंगे, अब रो फिर नहीं बच सकता। टिप्सन तू जिंदा कैसे हो गया, तुझे तो मैंने मार के खत्म कर दिया था, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, रो फिर यहाँ पे आया था लेकिन चला गया। ये सुपर हीरो ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रख दी भाई, हमें तो बहुत परेशान करके रख दिया, इस सुपर हीरो को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकलते सीधा सुपर हीरो से मुलाकात करने के लिए, यानी कि मुकालात करने के लिए। तो लेकिन ये क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये दोनों पुलिस वाले उसके सामने पिद्दी है, मतलब कि भाई ये पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं और ये मॉन्स्टर इन्हें डरा रहा है। चलो भाई कितना डराएगा तो उसको। मुझे सुपर हीरो ने भेजा है रॉफ हीरो को मारने के लिए, मैं पूरे वॉच टाउन को बर्बाद कर दूंगा, साथ में रॉफ हीरो को भी मार के खत्म कर दूंगा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ से हम इससे फाइट करते, लग रहा है ये हमें मार के ख़त्म कर सकता है, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले ये हमें मार के यहीं पे सुला दे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में बेल कॉल पे सेट कर लो, ताकि हमारी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो हम इस मॉन्स्टर को ख़त्म करते हैं, लेकिन हम बहुत डेंजर तरीके से इसे ख़त्म कर देंगे, इसे पता भी नहीं चलेगा कि कितना खतरनाक तरीके से हम इसे मारने वाले हैं, ये वापस से हमें कभी भी फाइट करने के लिए नहीं बुलाएगा। चलो हम इसे सीधा भस्म करेंगे, वो भी आग की बोतल से।
ये बोतल में दारू भरा हुआ है जिसके अंदर हम आग लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी तरीके से। चलो भस्म करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें बाय करना पड़ेगा बोतल। चलो बोतल को बाय करते हैं। लेकिन तू नहीं जानता तू किससे पंगा ले रहा, तू मुझे भस्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे तू नहीं जानता इसके अंदर दारू की बोतल है, अच्छे अच्छे लोग इससे बर्बाद हो जाते हैं। तू कौन सी खेत की मूली है रे मास्टर, तेरे को तो हम यहीं पे मार देंगे क्योंकि हमारा नाम है रोफ हीरो। अब तू नहीं बचेगा, तेरे पलटन को भी मार के सुला देंगे। अब तुझे बचाने वाला पुलिस वाला भी नहीं आएगा क्योंकि हम तेरे को बीच रास्ते में ख़त्म कर देंगे। इसकी कहानी तो सच में ख़त्म हो गई, हमने तो इसे सच में मार दिया और इनके पलटन भी गायब हो गए। चलो पैसा लूट लो, लूटने के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।